देखें, ये जो कल वाकया हुआ है इसकी कोई भी इसकी ताईद नहीं कर सकता। आईन और कानून को मानने वाले इस पार्लियामेंट में जो लोग भी बैठे हैं उसकी ताईद नहीं कर सकते, और हमारा भी यही मौकफ है कि एमएनएज और ये जो ऐवान है ये बहुत मोतबर है, और यहाँ पर इस अहाते में जो एक प्रिविलेज्ड है लोगों को, जो इख्तियार है, जो उनको हक हासिल है, वहां पर ये वाकया नहीं होना चाहिए, और हम भी इसकी जो है वो मजम्मत करते हैं और आपसे चाहेंगे कि आप इसके ऊपर जो है वो अपना रोल प्ले करें। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, ये जंग की इब्तदा नहीं है, जंग के आउटकम्स हैं सारे। ये जो सब कुछ हो रहा है इस मुल्क में, और वो कोई और बाहर वाला नहीं कर रहा है, जमहूरी ताकतें कर रही हैं। और अगर रिसेंट ही अगर आप एग्जांपल और बात सुने, तो अभी इतवार वाले दिन जो जलसे में वजीर आला साहब ने जो तकरीर की है वो कौन सी जमहूरी तकरीर है? वो कौन से मुल्क को मुस्तहकम करने की तकरीर है? वो कहां से जोड़ने की बात है? मैं बहुत अदब एहतराम से अपने पीटीआई के दोस्तों के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कोई तो उसका एंड होगा ना, कहीं तो रुके मुल्क की खातिर, किसी जगह तो रुके, रुक नहीं रहे ना। हर चीज आप जब कोई एक्शन करेंगे रिएक्शन आए। क्या बात कर रहे हैं आप इदारों के लिए, क्या बात कर रहे हैं आप इदारों के सरबराह के लिए, क्या आप पॉलिटिकल पार्टीज के दूसरे लोगों के लिए बात कर रहे हैं, क्या आप खवातीन के लिए बात कर रहे हैं, क्या आप मीडिया के लिए बात कर रहे हैं? तो जब आप जंग शुरू कर देते हैं तो फिर उसका आउटकम तो फिर पागलपन का आउटकम तो पागलपन ही है। फिर कहां से आईन कानून और किसी भी जो वो जमहूरियत की पासदारी रह जाती, तो खुद आप किसी को किसी अमल पे बुरा कह के बात खत्म नहीं हो जाएगी। आज जिसके पास पावर है उसको ही समझना पड़ेगा। अगर आज हमारे इस तरफ लोग बैठे हुए, अगर उनके पास हुक्मरानी की ताकत है, आपके पास पॉपुलैरिटी होगी, ठीक है, मानते हैं भाई आप पॉपुलर जमात है, आपके पास पॉपुलैरिटी है, तो उस पॉपुलैरिटी की पावर को इन चीजों में लोगों को गालियां देने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय खुदा के वास्ते उसको जरा संभाले और इस मुल्क की खातिर कोई बात करें, रिकंसिलिएशन करें। अभी भी आपका नैरेटिव ये है कि जो मेरे झंडे के बगैर, मेरे निशान के बगैर आया वो चोर है, वो मुल्क दुश्मन है, उससे बात नहीं हो सकती, और जो मेरे साथ है चाहे वो कितना ही बड़ा चोर आ जाए मेरे झंडे के नीचे, वो मोतबर हो जाएगा, वो पाकिस्तानी हो जाएगा, वो जमहूरी हो जाएगा, वो आईनी हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। कोई भी फरिश्ते नहीं है यहाँ पर, सबकी अलग अलग अपनी हिस्ट्री रही। मेरा ताल्लुक कराची से, हमारी एक हिस्ट्री रही है। आज हमें लोग सवाल करते हैं कि भाई ये जो जलसों में लाइव तकारीर हो रही है, क्या अल्ताफ हुसैन ने क्या इससे ज्यादा बुरा कहा था कुछ? हमें जवाब देना मुश्किल है। और बात सही, आज हमने पूरी बगावत कर दी पार्टी लीडर के खिलाफ, पूरी पार्टी अलग हो गई है। लेकिन आप तजिया करें, अगर आप मुवाजना करें कि जो आज इदारों को, इदारों के सरबराह को, आर्मी चीफ को, इदारों को और खवातीन जो लाइव बातें की जा रही है, क्या ये इससे पहले कभी हुआ है? तो ये इसको खुदा के वास्ते इस पॉपुलैरिटी को संभाले, रोके। कोई भी खुश नहीं हो रहा, कोई भी टीवी देखकर, कोई भी ये सारा कुछ देख, किसी चीज से ना कल के वाके से मुल्क को फायदा हुआ है, और ना इतवार वाली तकरीर से, और ना जो आप कुछ कर रहे हैं उससे मुल्क को फायदा हो रहा है। मुल्क को नहीं फायदा हो रहा। कितनी दफा इस तरफ के बैठे हुए पावरफुल जो लोग भी हैं, वजीर आजम है, और सबने कहा भाई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, हम खैर छोटी जमाते, हम बार बार कहते हैं कि भाई इस मुल्क को इस कॉगमायर से कोई एक सिंगल पार्टी नहीं निकाल सकती, आइए मिलकर काम करें। बड़ी बात है, क्योंकि जब आप पावर में थे आपने तो किसी को चोर के अलावा कोई और बात कही नहीं। क्या ये तजलील बिल्कुल है जो कल हुई है? लेकिन अगर आप अपने लोगों को ऐसे तैयार करें कि कोई रेस्टोरेंट में बैठकर इज्जत से कोई बाहर जा नहीं सके, आप लोगों को उसके पीछे छोड़ दें, आप नौजवानों को उसके पीछे छोड़ दें, वो आपको गालियां बके, क्या ये जमहूरियत की बड़ी खिदमत है? तो आपने क्या बोया है? आप जब आप पॉइजन बोएंगे तो फिर आप पॉइजन काटेंगे ना भाई, ये सब आउटकम है उसका। मैं कोई बहुत खुशी से ये बात नहीं कह रहा, और मुझे कोई खुशी नहीं है इस वाली बात पे, लेकिन मैं अपनी पार्टी की जानिब से दोनों तरफ के साहिबान को, सबको कहना चाहता हूं कि भाई यहां से भी अब ब्रेक लगाएं, अब रोकें खुदा के वास्ते। स्पीकर साहब आप भी रोल प्ले कीजिए, यहां बहुत मोतबर लोग हैं, वजीर आजम साहब हैं, यहां पे बड़ी पार्टीज के लीडरान हैं, और मैं अपने पीटीआई के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को भी जाकर वो ये बात कहें, समझाएं, मौलाना साहब से बात करें और लोगों से, और भाई जो भी कॉमन एजेंडा है, जहां पे डिफरेंसेस है, सब अपनी अपनी पार्टी के डिफरेंसेस रखें, कोई चार तो ऐसी बात निकालें जिसके ऊपर कोई एक दिन ऐसा भी तो हो कि यहां पर उधर वाले खड़े होकर यहां के चार कामों की तारीफ करें, और यहां वाले खड़े होकर उधर के चार कामों की, हफ्ते में एक दिन ऐसा भी तो हो, हर कोई, हर किसी ने बुरा ही काम किया है। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है आज, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। जो कल ये हुआ ये आउटकम है, ये इब्तिदा नहीं है, ये तमाम पागलपन का आउटकम है। तो आप इस पागलपन को रोकें खुदा के वास्ते, आज भी रोकें, हम ये रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। आप जो गुफ्तगू करते हैं, जो बात करते हैं, एज एफ के जो है वो सब लोग जो है वो गलत है, आप जो है वो सही है, ऐसा हो नहीं सकता। तो
तो स्पीकर साहब मेरी मोहतरमा गुजारिश है कि इस तमाम एपिसोड को, इस तमाम वाकयात को स्पीकर साहब आपके पास लोग जमा होते हैं इजलास के एजेंडे को तैयार करने के लिए, आप इस इजलास को चलाने का जो एजेंडा है इसके अलावा आप इस मुल्क को चलाने का एजेंडा भी जो है वो बात करें, आपके पास लोग आते हैं, पीटीआई के लोग आते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग आते हैं, एमक्यूएम के, पीएमएलएन के, आप वहां पे उस अपने ऑफिस को प्लीज इस काम के लिए भी इस्तेमाल करें कि भाई कहीं से कोई एक रूल्स ऑफ गेम तो हम बनाए, कहीं से कोई रिकंसिलिएशन की बात करें ताकि ये मुल्क जो है वो आगे चले। ये बुरा वाकया है लेकिन इसको देखना पड़ेगा, जो आपने इतवार को किया है ये उसका आउटकम है। आप जब गालियां बकें भाई जिसका जहां बस चलेगा फिर वो करेगा, पागलपन का जो आप कर रहे हैं तो वो तो फिर उसकी आउटकम इसी तरह की जो है जहरीली चीजें होंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते अब भी सेंस प्रिवेल करना चाहिए, इट्स नेवर टू लेट, ये सब कुछ हो गई है, लोगों को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये सेंस प्रिवेल करें, बात करें और बैठकर इसको हल करें और ये कुछ जो कुछ हुआ हम इसको कंडेम करते हैं।